हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया, वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। क्वेश्चन में दिया है अ टू डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। मीन्स आपको एक टू डिजिट का नंबर दिया है और बोला गया है कि वो जो नंबर होता है वो 4 नंबर यानी कि 4 यूनिट्स ज़्यादा होता है किससे, उन डिजिट से के सम के 6 टाइम्स से, राइट। इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए नंबर से, द डिजिट्स आर रिवर्स। तो डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। मीन्स जो यूनिट वाली डिजिट है वो टेंस पर और जो टेंस वाली डिजिट है वो यूनिट प्लेस पर आ जाती है। फाइंड द नंबर, राइट गाइस। क्योंकि टू डिजिट का नंबर है, अगर टू डिजिट का है तो वंस प्लेस डिजिट होगी और टेंस प्लेस डिजिट होगी। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लेट वंस प्लेस डिजिट, लेट वंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू एक्स एंड टेंस प्लेस, ओके, टेंस प्लेस डिजिट इक्वल्स टू वाई। तो कंसीडर कर लिया है कि वंस प्लेस पर क्या है एक्स एंड टेंस प्लेस पर क्या है वाई। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा ओरिजिनली, सो नंबर इक्वल्स टू व्हाट, टेंस प्लेस में क्या करते हैं, टेन से मल्टीप्लाई प्लस वंस प्लेस को ऐड कर देते हैं। तो नंबर क्या होगा ओरिजिनली हम लोगों का, टेन वाई प्लस एक्स। अब एक चीज़ और फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन में बोला है कि रिवर्स डिजिट्स, राइट। सो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ओके, अगर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया जाएगा मींस वंस प्लेस वाली डिजिट कहां पर आ जाएगी, टेंस पर, और टेंस वाली वंस पर। उस केस में न्यू नंबर क्या बन जाएगा, तब हम लोगों का, तब न्यू नंबर बन जाएगा मींस रिवर्स डिजिट नंबर बनेगा। सो क्योंकि एक्स प्लेस, एक्स कहां पे होगा, टेंस प्लेस पे होगा, तो क्या होगा, टेन एक्स प्लस यूनिट प्लेस पे कौन होगा, वाई। सो टेन एक्स प्लस वाई, सो टेन वाई प्लस एक्स ओरिजिनल नंबर है और टेन एक्स प्लस वाई रिवर्स डिजिट नंबर है। अब आते हैं हम लोग केस वन के अंदर, राइट। तो केस वन के अंदर हम लोगों को क्या दिया है, केस वन के अंदर हम लोगों को बोला गया था दैट टू डिजिट नंबर इज 4 मोर देन 6 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि जो नंबर होता है मीन्स ओरिजिनल नंबर, सो दैट इज व्हाट, 10y प्लस एक्स। तो ये तो क्या है हम लोगों का नंबर, एंड दिस इज 4 यूनिट्स मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। और डिजिट्स का सम बात करें तो डिजिट्स क्या है, x और y, तो x y डिजिट का सम है, ये 6 टाइम है। तो अभी भी ये जो नंबर है मीन्स ओरिजिनल नंबर है वो 4 यूनिट्स ज़्यादा है किससे, इससे। तो अगर ये नंबर 4 यूनिट्स ज़्यादा है तो 4 यहाँ प्लस कर दें तो बोथ द नंबर्स विल बी इक्वल। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस कैन बी रिटर्न एज 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6x प्लस 6y प्लस 4। अभी क्या करें, कांस्टेंट एक तरफ और सारे वेरिएबल एक तरफ, सो दिस इज व्हाट x, ओके, इधर से आएगा तो माइनस 6x, दिस इज व्हाट 10y, ओके, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 6y एंड दिस इक्वल्स टू 4। सो एक्स माइनस 6x, सो दैट इज व्हाट, माइनस का 5x, अब प्लस 10y माइनस 6y, सो दैट इज 4y इक्वल्स टू 4, राइट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब हम लोगों ने केस 1 से हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड कर ली है, लेते हैं, सो दिस इज व्हाट केस 2। अब केस 2 के अंदर बोला है, इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, मीन्स नंबर में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, देन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। मीन्स डिजिट रिवर्स का मतलब एक नया नंबर बनेगा जो कैसा है, रिवर्स डिजिट वाला नंबर आ जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग लिखते हैं, सो नंबर क्या है हम लोगों का, 10y प्लस एक्स, और इस नंबर में से अगर 18 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो नया नंबर निकलता है वो कौन सा होता है, रिवर्स डिजिट नंबर, मीन्स 10x प्लस वाई, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वेरिएबल एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ, सो दिस इज व्हाट, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि इधर नेगेटिव तो ट्रांसपोज होकर पॉजिटिव, राइट। नाउ दिस इज x, दिस इज माइनस 10x, सो दिस विल रिमेन माइनस 9x और दिस 10y माइनस वाई, सो दैट इज प्लस 9y इक्वल्स टू 18। अब क्योंकि
यहाँ पे देख रहे हैं 9 एंड दिस इज 18. 9 इज व्हाट? 9 इज द कॉमन फैक्टर. सो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, सो ये रह गया हम लोगों का माइनस एक्स प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो वाई, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे सो 2, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2. राइट गाइस, अब हम लोगों के पास क्या देख पा रहे हैं हम लोग, दिस इज माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2. अगर इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 5x, राइट? और ये ऑलरेडी माइनस 5x है, तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को देन माइनस कर देते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, तो चैली कर देते हैं. सो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 5 एंड सब्ट्रैक्टिंग, फॉर्म 1 करेक्ट. सो 1 क्या है हम लोगों का, माइनस 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 4, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से. तो 5 से मल्टीप्लाई किया सो दिस इज व्हाट, 5x. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज व्हाट, 5y. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 10. ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज होंगे, सो दिस इज पॉजिटिव, नाउ दिस विल बी नेगेटिव. पॉजिटिव है तो नेगेटिव. नाउ दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, सो प्लस माइनस अपोजिट साइन वाले नंबर है, कैंसिल. अभी क्या रह गया, 4y पॉजिटिव है, माइनस 5y नेगेटिव है, सो दिस इज माइनस y इक्वल्स टू माइनस 10 एंड 4, सो दिस इज माइनस 6. इसका मतलब क्या कह सकते हैं, y इक्वल्स टू 6. ओके, हम लोगों ने y की वैल्यू फाइंड कर ली, एंड दैट इज व्हाट, y इक्वल्स टू 6. सो ऑन पुटिंग y इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू रख रहे हैं, रख देते हैं. सो दिस इज व्हाट, माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 2. देयरफॉर माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 6, माइनस का 6 ट्रांसपोज किया एंड प्लस 2. सो दिस इज व्हाट, माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 4, या माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हम लोगों ने. देयरफॉर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू व्हाट, 4. सो एक्स इक्वल्स टू 4 एंड वाई इक्वल्स टू 6. बट फाइनली हम लोगों को क्या फाइंड करना था, नंबर. देयरफॉर नंबर कितना होगा, और नंबर क्या था ओरिजिनली हम लोगों का, 10y प्लस एक्स. सो दैट इज 10y प्लस एक्स, जस्ट पुट द वैल्यू. सो 10y कितना है, 6, प्लस का साइन, x कितना है, 4. सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, 60 प्लस 4, and 64 plus 4 equals to 64, and that is your answer. I hope students आपको question समझ आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो please मेरे video को like कर दें, channel subscribe कर लें, और इसको अगर हो सके तो बाकी दोस्तों के साथ share भी कर दें. बाकी के videos के लिए आप मेरी playlist में चले जाइए, already बहुत सारे videos upload किए हैं. चलिए मैं फिर से आता हूँ एक नए video के साथ में. Till then enjoy my videos and keep learning. Thank you, thanks for watching this video.